ये न जाने बरसों से कम कितनों दिनों से खराब पड़ा हुआ है, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं इसमें, बाइक तक गिर चुके हैं, अभी तक ढाला नहीं जा रहा था, क्यों नहीं ढाला जा रहा है? जनता लोग क्या मरने के लिए छोड़ा गया है? किंतु हमारे पार्षद महोदय यहाँ से 10 पास दूरी पर, उनको ध्यान नहीं है। इसमें कितनी दुर्घटना हो चुकी है, इससे बाढ़ पार्षद को लगता है कि सोए हुए 4 साल से। ये एक बाढ़ 54 का बहुत चालू रास्ता, क्योंकि ये न जाने बरसों से कम कितनों दिनों से खराब पड़ा हुआ है, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं इसमें, बाइक तक गिर चुके हैं, किंतु हमारे पार्षद महोदय यहाँ से 10 पास दूरी पर, उनको ध्यान नहीं है। किंतु इस साल 1 करोड़ की योजना के अंतर्गत इस गली का ढालने का प्रोडक्शन तैयार हो चुका है, किंतु अभी तक ढाला नहीं जा रहा है, अभी तक ढाला नहीं जा रहा था, क्यों नहीं ढाला जा रहा है? जनता लोग क्या मरने के लिए छोड़ा गया है? 4 नाले का निर्माण रोका गया है बाढ़ पार्षद के द्वारा, जो आज तक निर्माण नहीं कराया जा सका। इसमें कितनी दुर्घटना हो चुकी है, इससे बाढ़ पार्षद को लगता है कि सोए हुए 4 साल से। आज ये चुनाव आने वाला है, आज तक लगता है कि बन नहीं पाएगा, लगता है कि बाढ़ पार्षद को आँख में तेल चल गया है, क्या चल गया पता नहीं, लगता है कि बाढ़ पार्षद के इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ के लोग हमको नहीं करते थे, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि वो नाले का निर्माण कराए? क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि नाले का निर्माण कराए? क्या वार्ड पार्षद के उच्चवन के वार्ड पार्षद नहीं है क्या? ये ऐसा जगह पे है, ऐसी जगह पे कि यहाँ कितनी बार दुर्घटना हो चुकी है, फिर भी हमारे वार्ड पार्षद अरुण शर्मा जी को कोई होश नहीं है।